पाकिस्तान को भाए जो सुर, कांग्रेस बजाए वही साज, क्या कांग्रेस का हाथ है पाकिस्तान के साथ? ये सवाल एक बार फिर हिंदुस्तान की सियासी फिजा में शूल बनकर तैर रहा है। ये सवाल एक बार फिर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने में नस्तर बनकर उतर रहा है। ये सवाल एक बार फिर धरती के स्वर कश्मीर के अमनो चैन के माहौल में जहर घोल रहा है। और ये सवाल यूं ही नहीं उठा है। मोदी सरकार ने 70 साल पुराने कश्मीर के मसले को एक झटके में हल कर दिया है। धारा 370 और 35A को नेस्तनाबूद कर सरकार ने जन्नत में सुरमई सवेरा ला दिया है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद ने दो तिहाई से ज्यादा बहुमत से इस पर मुहर भी लगा दी है। पर संसद में इसका पुरजोर विरोध करने वाली कांग्रेस सड़क पर भी इस मुद्दे को उछालकर देश में तो अपना छीछा लेदर करवा ही रही है, पाकिस्तान को भी मौका दे रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के पक्ष को कमजोर करने का। देश के गृह मंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने धारा 370 को लेकर जो बयान दिया है, उसे सुनकर आपके मन में यही सवाल उठेगा कि क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। आप भी सुनिए चिदंबरम का वो बयान जिसमें वो बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने धारा 370 और 35A को क्यों खत्म किया। இந்து பெரும்பான்மை மாநிலமாக இருந்திருந்தால் பாரதிய ஜனதா கட்சி இதை செய்யாது. அது இஸ்லாமிய பெரும்பான்மை மாநிலமாக இருப்பதால் அவர்களை உறுத்துது, கண்ணை உறுத்துது, ஆகவே இதை செய்கிறார்கள். चिदंबरम की इस अजीबोगरीब दलील से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को 440 वोल्ट का झटका लगा है। साथ ही हिंदुस्तान का मस्तक भी शर्म से झुक गया है। पर कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता यही नहीं रुके। 370 हटने के बाद कश्मीर की फिजा बेहद खुशगवार है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद कश्मीरी आवाम का दावा है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद घाटी में डेरा डाले हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग अपनी समस्या उनसे साझा कर रहे हैं। खुश हो? खुश कहाँ है आप बताइए, खुश कौन है यहाँ? अरे बच्चे तो खुश होते हैं। ईद के मुबारक मौके पर भी लोगों ने पूरे अमनो चैन के साथ नमाज अदा की, भाईचारे के साथ त्योहार मनाया। पर लानत है कि चिदंबरम को इन तस्वीरों में सच्चाई नहीं दिख रही। उन्हें लग रहा है कि मीडिया ही जमीनी हकीकत से अलग घाटी की मुख्तलिफ तस्वीर परोस रहा है। இந்திய தொலைக்காட்சி காட்சிகளை காட்டாவிட்டால் அமைதியின் அர்த்தமா? இந்திய பத்திரிகைகள் அந்த செய்தியை போடாவிட்டால் அமைதியின் அர்த்தமா? இன்றிரவு தயவு செய்து வீடுகளுக்கு சென்ற பிறகு பிபிசியை பாருங்க, அல் ஜசீராவை பாருங்க. நாங்க போட்டு காட்டுறேன், வேணாம், என் தொலைபாசியிலே பதிவு செஞ்சிருக்கேன், போட்டு காட்டுறேன். हिंदुस्तान के माथे पर इससे बड़ा धब्बा, इससे बड़ा कलंक और भला क्या हो सकता है? देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी का वरिष्ठ नेता, जो देश का वित्त और गृह मंत्री रह चुका है, उसे अपने देश के मीडिया पर भरोसा नहीं है। वो खबर की हकीकत जानने के लिए देशवासियों को दूसरे मुल्क के मीडिया को देखने की नसीहत दे रहा है। जरा सोचिए, क्या चिदंबरम वही राग नहीं गा रहे जिसे सुनने और सुनाने की दरकार पाकिस्तान को है? ये महज इत्तेफाक नहीं है कि चिदंबरम के देश विरोधी राग अलापने के अगले ही दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंचे और अपनी बेतुकी दलील के साथ चिदंबरम के बयान को कोट कर दिया। और इस हमाकत के बाद जो मैं नहीं कह रहा हिंदुस्तान का शशि तरूर कह रहा है कि तारीख साबित करेगी, चिदंबरम जो साबिक वजीर दाखला है, होम मिनिस्टर है भारत का, वो कह रहा है ये तारीखी हमाकत की है भारत ने, हिंदुस्तान ने, और ये वक्त साबित करेगा। शाह महमूद कुरैशी ने मुजफ्फराबाद में कश्मीर को लेकर लंबी चौड़ी तकरीर पेश की और उसमें कमोबेश वही बातें थीं जो सरजमीने हिंदुस्तान में बैठकर चिदंबरम बताने की ऐतिहासिक भूल कर चुके हैं। कांग्रेस का यही रवैया उसकी बर्बादी की वजह बन रहा है। देश की भावना को नहीं समझ पाने वाले कांग्रेसी नेताओं की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की ताजा अभिव्यक्ति से आपको रूबरू कराना भी जरूरी है। एक अंग्रेजी अखबार में छपे अपने लेख में मणिशंकर ने कहा है कि
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हमारी उत्तरी सीमा पर जम्मू कश्मीर को फिलिस्तीन बना दिया है। मोदी शाह ने अपने गुरु बेंजामिन नेतन्याहू और मेनकेम बेग से काफी कुछ सीखा है। उन्होंने सीखा है कि कैसे कश्मीरियों की स्वतंत्रता, गरिमा और आत्मसम्मान को रौंदना है, जैसे फिलिस्तीन में इजराइल ने रौंदा। मणिशंकर वही नेता है जो पाकिस्तान जाकर वहां के रहनुमाओं और आवाम से मोदी को हराने में मदद की अपील करते हैं। अब तो अपने ही देश की चुनी हुई सरकार पर कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता, गरिमा और आत्मसम्मान को रौंदने का खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे हैं। और कमाल देखिए कि इधर मणिशंकर का लेख प्रकाशित हुआ और उधर मुजफ्फराबाद आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने मणिशंकर के नामुराद इजहार पर बाग बाग होते हुए अपनी जुबा के तीर चला दिए। अगस्त को पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी रह रहा है, मैं उसकी खिदमत में ये अपील कर रहा हूं, पाकिस्तान के मीडिया के की तरफ से, कि आप अपने घरों से निकले बच्चों के साथ, खवातीन के साथ, और यौम शाह बनाए 15 अगस्त के दिन, जो जिसको वो अपना आजादी का दिन कहते हैं, ताकि दुनिया देखे कि भारत का असली चेहरा क्या है, दुनिया देखे कि नरेंद्र मोदी का असली चेहरा क्या है। ये वो चेहरा है जो एक जमाने में नाट्सी हिटलर का हुआ करता था, आज आरएसएस के फलसफे में और हिटलर के फलसफे में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। साफ है कि कांग्रेस कश्मीर पर भारत के पक्ष को कमजोर करने पर तुली हुई है, और जब कांग्रेस ने कश्मीर पर देश विरोध की धुनी रमा ही ली है तो कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आहुति देने में भला कैसे पीछे रहते, वो तो अपनी पुरानी चेतावनी याद दिला रहे हैं। विशेषकर आज जो संकट है हमारे जम्मू कश्मीर में, सब इलाकों में भाईचारा बना रहे, अमन चैन बनी रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस चुनाव दर चुनाव अपनी करारी शिकस्त के बाद भी हिंदुस्तान के जनमानस की भावना को समझने की जहमत नहीं उठा रही। उसे अब भी इस बात का इल्हाम नहीं हो रहा कि उनकी इन्हीं करतूतों की वजह से जनता आहत है, देश की जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। कांग्रेस को अंदाजा नहीं है कि कश्मीर पर उनका ये रुख बीजेपी को रास आ रहा है। कांग्रेस को बेनकाब करने का उन्हें मौका मिल रहा है। बीजेपी नेता कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को हाथों हाथ ले रहे हैं। चिदंबरम के इस बयान की उम्मीद नहीं थी, ये भड़काऊ बयान है। चिदंबरम की भाषा तुष्टीकरण की भाषा है, उनके चेहरे बेनकाब हो गए। जो चोट है वो अलगाववादियों और आतंकवादियों को लगी है, और चीख कांग्रेस के कुछ नेताओं को निकल रही है। इससे आपको इस बात का एहसास आसानी से कर लेना चाहिए कि कांग्रेस और इन अलगाववादियों और आतंकवादियों की कितनी गहरी जुगलबंदी थी। सिर्फ बीजेपी नेता ही क्यों, जो पार्टी तीन तलाक के मुद्दे पर एनडीए में होने के बावजूद बीजेपी के खिलाफ हो गई थी, वो भी कश्मीर पर कांग्रेसी नेताओं के देश विरोधी उद्गार की आलोचना कर रही है। आशा किसी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता की नहीं हो सकती। इमरान खान की पार्टी के नेता इस तरह का वक्तव्य दें तो मुझे ताज्जुब नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के वक्तव्य ये ऑब्जेक्शनेबल है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस किसी मुद्दे को लेकर देश की भावना को समझ पाने में नाकाम रही है, पहले भी इसके तमाम नजीर मिल जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस ने बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए थे। यही नहीं, लश्कर आतंकी इशरत जहां को देश की बेटी साबित करने के लिए जांच और तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप भी उन पर लग चुका है। जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन कांग्रेस की सांप्रदायिक राजनीति का ही एक अध्याय है। साफ है कि कांग्रेस अपनी जड़ें खुद ही खोद रही है। जिस पार्टी की कभी पूरे देश में हुकूमत थी, आजादी के तकरीबन 60 साल तक पूरे देश में जिसका एक छत्र राज था, वो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।